नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स, इसमें कल मैंने आपको जनरल का प्रारूप समझाया था और दो एंट्री समझाई थी। जब कोई व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करे और वो माल खरीदे, उसमें मैंने आपको बताया था कि माल है वो दो प्रकार से खरीदा जा सकता है, या तो नगद या फिर उधार। नगद माल खरीदें तो उसमें बताई थी आपको एंट्री, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और गया कैश है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि व्यापारी उधार माल खरीदे, तो उधार माल खरीदने पर व्यापारी के पास आता क्या है, आता तो माल है लेकिन जाता कुछ भी नहीं फिलहाल, तो वो तो बाद में जब पेमेंट करेंगे तब जाएंगे। तो देखो, व्यापारी द्वारा कल हमने दो एंट्री करी थी, ये तीन नंबर है। व्यापारी द्वारा माल का उधार क्रय करने पर अब व्यापारी से जब माल उधार क्रय करेंगे तो हमारे पास आया तो माल ही है। तो कल मैंने बताया था कि जब माल खरीदते हैं तो आया माल है, माल को गुड्स कहते हैं लेकिन गुड्स को डेबिट नहीं करते, उसकी जगह अपने डेबिट किसको करते हैं, परचेज को करते हैं। तो डेबिट तो क्या हो गया, परचेज हो गया अपने। तो क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गया क्या, गया तो हमारे पास से कुछ भी नहीं है। जब बात उधार की आती है तो हमें उस व्यक्ति को देखना पड़ता है, उस व्यक्ति का नाम देखना पड़ता है जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है, क्योंकि अगर मान लो हम नगद खरीदते तो हमारा कैश जाता, तो उसमें एक खाता तो अपना ये माल वाला वस्तुगत खाता हो गया और कैश भी वस्तुगत हो गई, तो एक वस्तु आ जाती एक चली जाती, तो एक आती उसे डेबिट करते जाती उसे क्रेडिट कर देते। लेकिन इसमें आया तो माल है लेकिन गया फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसलिए हम देने वाले व्यक्ति के नाम को याद रखेंगे। तो इसमें एक जो खाता प्रभावित हुआ है वो व्यक्तिगत खाता है, यानी एक खाता अपना जो प्रभावित हुआ है वो कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता है। तो व्यक्तिगत खाते में क्या नियम होता है, पाने वाले को डेबिट करो देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर क्या है कि माल खरीदा गया है, व्यापार में माल आया है, तो जो व्यक्ति माल दे रहा है वो क्या यहाँ देने वाला हो गया, और देने वाले को आपको क्या करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, देने वाले को क्रेडिट करना है। मान लो फिलहाल हमारे पास उसका नाम नहीं, अगर नाम हो तो उसका नाम लिखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में सीधा ही कह दे उधार माल खरीदा, तो उसमें आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अगर नाम नहीं है तो जिस व्यक्ति से अपने उधार माल खरीदते हैं उसे अपने क्रेडिटर या सप्लायर बोलते हैं, उसे बोला जाता है क्रेडिटर या सप्लायर। तो क्रेडिट किसको करेंगे अपने, टू क्रेडिटर अकाउंट, नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड और क्रेडिट, उधार माल खरीदा। एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट दोनों में इक्वल आएगी, जितनी अपनी आई डेबिट में उतनी आएगी क्रेडिट में। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखो माल खरीद लिया लेकिन माल खरीदने से ही काम नहीं चलता, माल खरीदा है उसको बेचेंगे तभी तो वो व्यापार होगा। तो माल खरीदने के बाद आगे क्या करना है, उसे बेचना है। जिस तरह से हमने माल दो प्रकार से खरीदा, नगद और उधार, उसी तरह से क्या कर सकते हैं, अपने माल को दो प्रकार से बेच भी सकते हैं, नगद बेच सकते हैं या फिर उधार बेच सकते हैं। तो पहले अगर मान लो माल को नगद बेचा तो आया क्या कैश और गया क्या माल। जब माल को नगद बेचा तो आया तो हमारे पास क्या है,
कैश आया है, लेकिन गया क्या है, माल गया है। तो लेखांकन अकाउंट हमें ये कहता है कि जब आप माल खरीदते हो तो डेबिट परचेज को किया जाता है, परचेज का मतलब होता है माल का खरीदना, लेकिन जब माल बेचते हो तो आपको उसे सेल्स को क्रेडिट करना पड़ता है। क्रेडिट किसको करोगे, सेल्स को करोगे, तो वहाँ पे क्या लिखोगे अपने, टू सेल्स लिखोगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, जैसे नगद माल बेचा पहले, नगद माल बेचने पर, नगद माल बेचा तो हमारे पास आया क्या, कैश, तो करोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और गया क्या माल, तो वैसे तो टू गुड्स होना चाहिए, लेकिन लेखांकन में जब माल का विक्रय किया जाता है तो वहाँ पर टू गुड्स नहीं लिखा जाता, उसकी जगह आपको टू सेल्स लिखना पड़ता है। तो ये टू का मतलब क्या, क्रेडिट, इसको तो हमने डेबिट किया और इसको क्रेडिट किया। अब अमाउंट इक्वल आएगी, जो डेबिट में आएगी वो ही क्या है, क्रेडिट में आएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, मान लो अपना फिर पेज भर गया, अब पेज भर गया तो फिर टोटल लगाना है, टोटल वही लिखोगे, टोटल CF कैरिड फॉरवर्ड, और CF की जगह आप CD भी लिख सकते हो, कैरिड डाउन। अब इस पूरे का क्या करोगे, टोटल लगा दोगे आप, तो नगद माल बेचने पर, नगद माल बेचोगे तो हमारे पास आया क्या, कैश, तो डेबिट तो किसको कर दिया हमने, कैश को कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया, गया क्या माल, तो टू सेल्स कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारा मान लो पेज भर गया तो अपने इसका इतने का टोटल लगाएंगे, और टोटल CF यानी कैरिड फॉरवर्ड इसका टोटल आ जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो इक्वल आएगी। फिर अपने नए पेज पे दोबारा लाइनें खींचेंगे, इसका प्रारूप बनाएंगे, हमने पहले नगद बेचा, हो सकता है माल उधार भी बेच सकते हैं, तो माल उधार बेचेंगे तो अपनी टोटल एंट्री कितनी होगी, 4-5 नंबर लगा के, और माल का उधार विक्रय करने पर, माल का उधार विक्रय करने पर यानी माल को उधार बेचने पर। अब माल को जब उधार बेचोगे तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, क्योंकि माल को उधार बेचा गया है, लेकिन माल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन माल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हम माल क्या करेंगे, बेचेंगे, तो वह व्यक्ति पाने वाला हो गया, कैश तो नहीं आया लेकिन वो व्यक्ति हो गया पाने वाला। तो देखो जब कोई व्यक्ति पाता है तो उसे क्या करते हैं, अपने डेबिट करते हैं, और जिस व्यक्ति को अपने उधार माल बेचते हैं उसे या तो उसका नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं तो उसे क्या कहते हैं, डेटर या कस्टमर कहते हैं, लेकिन माल बेचा है तो क्रेडिट क्या आएगा, सेल्स होएगा। तो देखो पाने वाला वह व्यक्ति और गया क्या, माल, तो पाने वाले को क्या करना, आपको डेबिट करना है, और उस व्यक्ति को अपने क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। तो क्या लिखोगे, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट वही डेबिट और क्रेडिट, इनमें क्या आएगी, बराबर आएगी। नरेशन इसका क्या होएगा, बीइंग
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। तो जब माल नगद बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, लेकिन माल उधार बेचते हैं तो हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं आता। इसलिए जिस व्यक्ति को माल बेचा उसे अपने क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं, उसका नाम लिख दिया जाता है। एंट्री क्या बनती है अपनी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब है उसके बाद माल का उधार विक्रय करने के बाद, मान लो किसी कारण से हमने जो माल खरीदा हमें पसंद नहीं आया और हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। लेकिन अकाउंट या लेखांकन ये मानता है कि परचेज रिटर्न उसी माल का हो सकता है जो हमने उधार खरीदा है, नकद बेचा हुआ माल कभी भी वापस नहीं हो सकता। यानी आप उसी माल को वापस कर सकते हो जिसे आपने उधार खरीदा, या फिर सामने वाला भी वही माल वापस कर सकता है जिसे उसने उधार खरीदा, यानी हमने उधार बेचा, नकद खरीदा और नकद बेचा हुआ माल कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता। नकद खरीदा और नकद बेचा हुआ माल कभी भी रिटर्न नहीं हो सकता। जब आप माल वापसी करते हो, परचेज किया हुआ माल वापस करते हो, तो उसे परचेज रिटर्न बोला जाता है। और जब आपके पास बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपने सेल्स रिटर्न बोलते हैं। जब खरीदा हुआ माल आप वापस करते हो तो वो क्या है, परचेज रिटर्न, और जब बेचा हुआ माल आपके पास वापस आता है तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न। तो पहले देखो, क्रय किया हुआ माल वापिस करने पर क्रय किया हुआ माल वापिस करने पर, अब क्रय किया हुआ माल वापिस करोगे तो पहले देखो, सेल्स हमने क्या किया, तो विक्रय हो गया, हमने पहले माल को क्या किया था, खरीदा भी तो था, खरीदा तब हमने डेबिट किसको किया, परचेज को। जिस व्यक्ति से खरीदा हमने एंट्री उसकी करी थी, जो माल खरीदा परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ये एंट्री की थी। अब जब हम उसको वापस कर रहे हैं तो अब उल्टा हो गया कि पाने वाला वह व्यक्ति हो गया जिसको अपने वो माल दे रहे हैं, तो वो माल हम किसे दे रहे हैं, जिससे पहले हमने खरीदा था, तो उसे क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति से माल खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, अपने क्रेडिटर कहते हैं। तो पाने वाले को डेबिट करना है, तो यहाँ पर अब पाने वाला वो व्यक्ति हो गया क्योंकि हम उसे माल वापस दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू परचेज रिटर्न लिखेंगे। एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब इसका नरेशन क्या होएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, बीइंग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, यानी क्रय के माल हमने क्या किया, वापस किया है, तो क्रय के माल वापस किया तो क्रेडिटर को तो डेबिट कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्यों, वो पाने वाला हो गया और माल वापसी है खरीदा हुआ, इसलिए टू परचेज क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। प्रत्येक जगह वही करना है, ध्यान रखना, यहाँ पे जब टोटल करो टू बैलेंस CF और आगे जो ले जाओ तो बैलेंस BF। ठीक है, अब फिलहाल अपने बार बार में टोटल नहीं करते, जब अपने सवाल करेंगे तो पूरी जनरल का टोटल एक साथ करेंगे, लेकिन जब भी पृष्ठ भर जाए आपको टोटल उसे तो क्या करना है, क्या लिखोगे, टोटल
क्या लिखना है, टोटल सी एफ और आगे ले जाओ तो टोटल डी एफ। अब देखो हमने जो माल बेचा नगद बेचा वो रिटर्न नहीं माना जाता लेखांकन में, जो माल हमने उधार बेचा वो ही क्या है, रिटर्न माना जाएगा। जो माल हमने उधार बेचा रिटर्न वो ही माना जाएगा। तब देखो माल उधार बेचा वो वापस आ गया तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, जब माल उधार बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं अपने, डेटर टू सेल्स। अब क्या करना है, जब वो माल वापस आ गया तो उसकी उल्टी एंट्री होनी चाहिए, सेल्स टू डेटर। लेकिन सेल्स के आगे क्या कर देते हैं, रिटर्न और लगा देते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उधार बेचा हुआ माल वापिस आने पर उधार बेचा हुआ माल वापिस आने पर, जब माल हमने उधार बेचा और वो वापिस आ गया तो उसका क्या करना है, वो देखो माल वापिस आया पहले हमने सेल्स को क्रेडिट किया था, अब उसकी जगह सेल्स रिटर्न है वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर को पहले हमने बेचा तो डेटर टू सेल्स लिखा, अब वो माल के है वापिस आ गया तो सेल्स रिटर्न टू डेटर लिख दिया। निरीक्षण करेंगे इसका, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर, और अंडरलाइन कर दो इसे कि डेटर द्वारा क्या किया गया, माल वापस किया गया तो क्या बना, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय डेटर। ये हो गई माल खरीदने की, माल बेचने की, माल वापसी की एंट्रियाँ। अब एक बिजनेसमैन एक बिजनेस में और भी बहुत से व्यवहार करता है, जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के खर्चे करता है बिजनेस में, या विभिन्न प्रकार की आय कमाता है बिक्री के अलावा। जैसे कोई कर्मचारी उसकी दुकान में काम कर रहा है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, कोई कमीशन भी देना पड़ सकता है, या अदर कोई भी खर्चा देना पड़ सकता है हमें। इसी तरह से जब आय हो सकती है, मान लो व्यापारी माल तो बेचता ही बेचता है, कमीशन पे कोई काम करता है तो हो सकता है उसे कमीशन प्राप्त हो जाए। जब कोई खर्चा होता है, जब खर्चा होता है इतना ध्यान रखना, खर्चा अवास्तविक खाता है, आय भी अवास्तविक खाता है, लेकिन खर्चे को हमेशा डेबिट करना है और आय को सदैव क्रेडिट करना है। जब खर्चा होता है आता क्या है, कुछ भी नहीं, खर्चा हो गया पैसे गए हैं, लेकिन जब आय होती है तो हमारे पास कैश आता है, तो जो चीज़ आती है उसे डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब खर्चा होएगा तो पैसे जाएंगे, तो जो जाएगा पैसे उसे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और खर्चे को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या करना आपको, देखो अमाउंट यहाँ पे दोनों जगह बराबर लिखनी लिखनी है, डेबिट में और क्रेडिट में।
अब है व्यापारी द्वारा व्यापार के लिए व्यय करने पर व्यापारी द्वारा व्यापार के लिए व्यय करने पर व्यापारी द्वारा व्यापार के लिए क्या किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। तो कोई भी खर्चा है, मान लो सैलरी है तो सैलरी को डेबिट कर दो, कमीशन पे कर रहा है तो कमीशन को डेबिट कर दो, अदर कोई राशि पे कर रहा है वह तो उसे डेबिट कर दोगे। फिलहाल हमारे पास कोई सवाल नहीं है, खर्चे का नाम नहीं है, इसलिए हम उस खर्चे की जगह क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, अपने खर्चे को डेबिट करना है तो एंट्री करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस को तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिलेशन क्या होगा इसका, बीइंग तो लगाने ही लगाना है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड या रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस पेड। अगर मान लो ये एक्सपेंसेस सैलरी होता तो यहाँ पे लिखते बीइंग सैलरी पेड, अगर कमीशन होता बीइंग कमीशन पेड, अदर कोई तो उसका नाम उसको लिख के और पेड कर देते, ठीक है। अब वही टोटल लगाना फिर आगे ले जाना। तो इसमें देखो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट हो जाएगा, और जब एक्सपेंसेस करोगे तो जाएगा क्या, कैश, तो कैश को क्या कर देंगे, अपने क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस का नाम दे रखा हो तो एक्सपेंसेस का नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दे रखा तो आपको रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस लिखना है। अब मान लो कोई इनकम होने पर व्यापारी द्वारा कोई आय कमाने पर जब व्यापारी कोई आय कमाएगा तो आय कमाने पर व्यापारी के पास आएगा क्या, कैश। व्यापारी के पास आएगा कैश और साथ में क्या प्रभावित हुई, इनकम। तो जो चीज़ आती है उसे क्या करोगे, डेबिट। तो कैश तो अपना क्या हो गया, वस्तुगत खाता हो गया, और उस आय के अवास्तविक खाता, तो अवास्तविक खाते में आय को क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कर देते हैं। तो व्यापारी द्वारा कोई आय कमाने पर आया क्या, कैश, एंट्री क्या बनेगी अपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू
उस इनकम का नाम लिखेंगे, वो रेंट हो सकता है, वो कमीशन हो सकता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो टू रिस्पेक्टिव इनकम लिखेंगे, टू रिस्पेक्टिव इनकम। रिलेशन क्या आएगा इसका, बीइंग इनकम रिसीव्ड, आय प्राप्त की, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में बराबर आएगी। तो ये क्या होगी, जब व्यापारी ने बिक्री के अलावा कोई आय की तो उसके लिए अब उसके पास आया क्या, कैश, तो कैश को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, और इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि सारी की सारी इनकम क्या है, क्रेडिट होती है। अगर क्वेश्चन में आपको इनकम का नाम दिया हुआ है, जैसे रेंट प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, तो आपको रिस्पेक्टिव इनकम की जगह उसका नाम लिखना है। अगर नाम नहीं दिया तो आपको फिर रिस्पेक्टिव इनकम ही लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।